हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था CSMA CD के अंदर उसके एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस कर लिया, CSMA CD क्या है वो भी देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे बैकऑफ एल्गोरिथम। नाउ बैकऑफ एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट क्या है, बैकऑफ क्या है, बैकऑफ में एल्गोरिथम क्या कहता है कि कौन सा स्टेशन कितना वेट करेगा, कितना टाइम वेट करेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। बैकऑफ एल्गोरिथम क्या बताता है, वेटिंग टाइम बताता है। वो क्यों बताता है, क्योंकि कोलिजन को रोकने के लिए। तो इसमें होता क्या है कि सपोज हमारे पास स्टेशन है ए बी, अब होगा क्या कि दोनों एक टाइम पे अपना जो ट्रांसफर शुरू करते हैं, ठीक है, और यहां पे कोलिजन होता है। अब ये जो कोलिजन होता है जनरली ये कोलिजन अब इन तक पहुंच जाता है तो इनको क्या लगेगा कि कोलिजन है, तो अभी कोई ट्राई नहीं करेगा, थोड़ी देर होगी तो वापस से दोनों ट्राई करेंगे, वापस से दोनों को कोलिजन आएगा। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि कोई एक वेट कर ले तो काम हो जाएगा, लेकिन वेट कितना टाइम करना है, कैसे करना है, किसको करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, बैकऑफ एल्गोरिथम करेगा। नाउ जनरली ये जो पॉइंट है उसका गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, इस वीडियो के एंड में मैं इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला हूं। नाउ सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बैकऑफ एल्गोरिथम वेटिंग टाइम किस तरह से डिसाइड करता है। सो यहां पे वेटिंग टाइम डिसाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे होगा क्या कि या तो ए कंप्लीट कर ले तो बी वेट करे, बी कंप्लीट करे तो ए वेट करे, दोनों साइड से हमें सोचना पड़ेगा। तो यहां पे मैं एक यही एग्जांपल को लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे होगा क्या कि सपोज हमारे पास दो स्टेशन है और यहां पे है ए और है बी। अब मान लो कि ए को डेटा ट्रांसफर करना है और बी को भी करना है, और दोनों ने एक बार कर लिया है डेटा ट्रांसफर, ट्राई कर लिए, लेकिन दोनों को क्या हुआ है, दोनों को एक एक बार कोलिजन हुआ है। मतलब यहां पे फर्स्ट टाइम जब डेटा ट्रांसफर किया तो यहां पे कोलिजन आया और बी ने किया तो कोलिजन आया, तो दोनों ने एक एक दोनों का जो फर्स्ट पैकेट जो है उसने एक बार तो कोलिजन फेस कर लिया है। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, इसके पास सब जो पैकेट है और इसके पास पैकेट है, तो यहां पे एन क्या है, यहां पे एक टर्म आ जाती है एन दोनों के लिए। अब ये n क्या है, n मींस यहां पे कौन सा पैकेट, मतलब जो पैकेट है उसकी बात चल रही है, जो पैकेट है उसने कितनी बार कोलिजन फेस किया है, मतलब हर पैकेट का अलग होगा। और यहां पे स्टेशन के हिसाब से नहीं सोचना है, स्टेशन ने कितनी बार कोलिजन फेस किया नहीं, कौन से पैकेट ने कितनी बार कोलिजन फेस किया है, मतलब अभी जो पैकेट है उसने कितनी बार कोलिजन फेस किया है वो। तो फर्स्ट केस हमने अभी हमने देखा था कि एक बार कोलिजन हुआ है, तो यहां पर एन इक्वल टू क्या होगा, वन, ठीक है, दोनों के लिए। दैट मींस पैकेट वन ने एक बार कोलिजन फेस किया है, यहां पे बी के लिए भी पैकेट वन ने एक बार कोलिजन फेस किया हुआ है। तो यहां पे एक रेंज आती है जिसमें इनको इनका वेटिंग टाइम डिसाइड किया जाता है। तो रेंज क्या होती है, जीरो से लेके टू पावर एन माइनस वन, सेम यहां पे भी जीरो से लेके टू पावर एन माइनस वन। अब एन क्या है यहां पे, वन, दैट मींस यहां पे आएगा जीरो कॉमा वन और यहां पे आएगा जीरो कॉमा वन। अब ये 0.1 और 0.1 दोनों के लिए है, दोनों को लेके एक कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। दैट मींस यहां पे ए और बी की बात करें तो सबसे पहले हम डिजिटल लॉजिक में जैसे गेट का जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वैसा ही कुछ आप समझ लो, 0001 1011। नाउ व्हाट इज दिस, ये जो एन है वो तो कितनी बार कोलिजन हुआ है वो बताता है, अब ये हमारा टाइम डिसाइड करेगा। तो टाइम कैसे डिसाइड होगा, सबसे पहले तो ये जो जीरो जीरो है उसका मतलब क्या होगा, मतलब ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने टाइम स्लॉट, मतलब ये जो जीरो है वो क्या बताता है, अगर मैं बी की बात करूं और इसके नीचे जीरो है तो बी क्या बताएगा, जीरो इंटू वन, जीरो इंटू टाइम स्लॉट। दैट मीन्स अगर आपके पास स्टेशन है ए और बी, तो यहां पे जीरो टाइम स्लॉट का मतलब, अब ये टाइम स्लॉट क्या है, टाइम स्लॉट वेरी करेगा हर नेटवर्क के हिसाब से, मतलब वो इस तरह से डिसाइडेड होगा कि स्टेशन को पता चलना चाहिए कि अभी की जो फ्रेम है, सपोज ए अगर डेटा ट्रांसफर कर रहा है और यहां पे जो फर्स्ट बीट है वो बी तक पहुंच गया है, तो टाइम स्लॉट इस तरह से डिसाइड किया जाएगा कि बी को पता होगा कि यहां पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है और जो चैनल है वो बिजी है। तो टाइम स्लॉट अलग होगा, डिपेंड्स अपॉन कौन सा नेटवर्क है, कैसा नेटवर्क है, कितना डिस्टेंस है, सब कुछ उसके हिसाब से। तो यहां पे जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो इंटू टाइम स्लॉट, मतलब कितने टाइम स्लॉट उसको वेट करना है। तो जीरो टाइम स्लॉट दैट मींस वेट करना ही नहीं है, ए के लिए भी वेट करना ही नहीं है। अब इसका मतलब होगा क्या कि ये भी वेट नहीं करेगा और ये भी वेट नहीं करेगा, तो होगा क्या, यहां पर कोलिजन होगा,
ठीक है, यहां पे मैं लिख दूंगा कोलिजन। अब नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं 01। 01 क्या बताता है? जीरो में ये वेट नहीं करेगा, यानी कि ए जो है यहां पे वो क्या करेगा, जरा भी वेट नहीं करेगा जीरो क्रॉस टाइम स्लॉट। और ये जो बी है वो क्या करेगा, वो वेट करेगा, मतलब वन टाइम स्लॉट का वेट करेगा। दैट मींस यहां पे जब भी ऐसा सीन होगा जैसे ए और बी है, तो ए को वेट नहीं करना है, तो ए अपना डेटा ट्रांसफर शुरू कर देगा और बी क्या करेगा, एक टाइम स्लॉट के लिए वेट करेगा। सो यहां पे ये जो है इसमें ट्रांसमिशन किसका होगा, ए का होगा, बिकॉज ए वेट नहीं कर रहा है। अब सेकंड वन की बात करें तो सेकंड वन में 10 है, तो 10 में यहां पे होगा क्या, वन ए वेट करेगा और बी वेट नहीं करने वाला है। सो यहां पे बी का ट्रांसमिशन हो जाएगा और यहां पे 1-1, यानी कि दोनों 1 टाइम स्लॉट के लिए वेट करेंगे और फिर ट्रांसमिशन शुरू करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा कोलिजन। अब आप पूछोगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसी बेस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ हमें यहां पे कुछ एनालिसिस करनी है, कुछ केसेस देखने हैं। नाउ अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास 4 केसेस है, और ये 4 केसेस में व्हाट आर द चांसेस ऑफ कोलिजन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो कोलिजन की कितनी है, मतलब 4 केसेस में से 2 बार कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन के लिए हम सी रिप्रेजेंट करते हैं, और 2/4 क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब 4 में से 2 बार कोलिजन होगा। अब ट्रांसमिशन ए का होगा वो कितना है, तो वो है 1/4, और बी का कितना है वो भी 1/4 है। That means ये 50% collision है and then 25% transmission है A और B का। तो ये हमारा होता है first case, अगर आप कहो तो। अब ये first case में से यही case को हम आगे continue करेंगे, लेकिन इसमें से किसी एक को select कर लेते हैं। चलो मान लो हम A को select कर लेते हैं, मतलब यहां पे 0.1 ये वाला केस जो है उससे A का transmission हो गया, तो अब क्या होगा, अब अगेन हम यहां पे चैनल पे आ जाते हैं और यहां पे ए का फर्स्ट ट्रांसमिशन हो गया है। ओके, तो ए का फर्स्ट ट्रांसमिशन यानी पहला पैकेट जा चुका है, अब पैकेट कौन सा है, दूसरा पैकेट है। ठीक है, यहां पे क्या था, पैकेट नंबर 1 था दोनों के लिए। तो जैसे ही फर्स्ट पैकेट ट्रांसमिट हो गया, उसके बाद बी का जो फर्स्ट पैकेट है वो क्या करेगा, वापस से ट्राई मारेगा कि मेरा वापस से ट्रांसमिशन हो जाए। तो बी का फर्स्ट पैकेट और ए का सेकेंड पैकेट, तो यहां पर क्या हुआ, कोलिजन हुआ। That means ये जो first packet B का है उसने again collision face किया। That means n equals to क्या होगा, 2। First packet का second collision, यहाँ पे first packet का first collision था, और A के लिए क्या है, second packet का first collision, यानी n equals to क्या होगा, 1। I hope अब clear हो गया कि ये क्या था। Okay, so now अब हम आगे बढ़ते हैं, तो next अब हम range बनानी है, तो range के लिए क्या है, 0, 2 raised to n minus 1, तो यहाँ पे 0, 1 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 0 और 2 raised to 2 minus 1, यानी 2/2, 4, 4 minus 1, 3, तो हम जाएंगे 0, 1, 2 और 3, मतलब यहां पे हमारे पास अभी 4 है। अब ये 2 और 4 है, अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं सेम इसकी तरह, तो यहां पे ए और बी के लिए, तो यहां पे आ जाता है हमारे पास, ओके ड्यू टू स्पेस मैं थोड़ा इस तरह से लिखूंगा, तो ए और बी के लिए, तो यहां पे आता है 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 2 and 1, 3। सो यहां पे अब हम वापस से देख लेते हैं कि कौन से केसेस में क्या होगा। तो फर्स्ट केस जो है 0, 0, दैट मींस यहां पे वो क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन दैट मींस सी। 0.1 मतलब क्या, ए क्या करेगा, जरा भी वेट नहीं करेगा, दैट मींस यहां पे ए क्या करता है, कोलिजन को तोड़ के वो जीत जाता है, ए विंस द रेस। 0.2 अगेन ए विंस द रेस, और 0.3 तो ए विंस द रेस। यहां पे होता क्या है, ये 0 मतलब जरा भी वेट नहीं करेगा, ये 1 टाइम स्लॉट के लिए वेट करेगा, 2 टाइम स्लॉट, 3 टाइम स्लॉट, और ये जरा भी वेट नहीं करेगा, दैट मींस ए का ट्रांसमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 10, तो 10 में क्या होगा, ए वेट करेगा, बी वेट नहीं करेगा, दैट मींस यहां पे बी विंस द रेस। वापस आया 1-1, दैट मींस यहां पे होगा कोलिजन। 1, 1, 2, दैट मींस यहां पे बी कितना वेट, ए कितना वेट कर रहा है, 1 टाइम स्लॉट, और बी कितना वेट कर रहा है, 2 टाइम स्लॉट के लिए वेट कर रहा है। सो यहां पे ज्यादा वेट बी कर रहा है, दैट मींस यहां पे ए का ट्रांसमिशन हो जाएगा, और यहां पे 1-3 में अगेन ए विंस द रेस। सो यहां पे अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो यहां पे कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल हमारे पास कितने केसेस है, 8 केसेस है, उसमें से 2 है, तो 2/8, और ए के चांसेस ट्रांसमिशन के कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, दैट मींस 5/8, और बी के
इट इज 1/8। सो यहां पे अगर आप देखो तो टोटल, अब ओके मैं यहां पे सेकंड केस भी हमने डिस्कस कर लिया, अब थर्ड केस अगेन हम डिस्कस करते हैं। यहां पे ये वाला केस मैं ले लेता हूं 0 1, ये वाला कि अगेन ए जीत गया, मतलब ए का ट्रांसमिशन हो गया है। तो ये अब हम थर्ड केस ले लेते हैं, तो वापस से वही चीज होगी, मतलब ए और बी अगेन आएंगे। अब इस बार ए का कौन सा पैकेट है, थर्ड पैकेट है, और बी का कौन सा है, वही फर्स्ट पैकेट जो वो कब से ट्राई कर रहा है। तो फर्स्ट पैकेट के लिए अब कोलिजन नंबर कौन सा होगा, n=3, और थर्ड पैकेट के लिए n=1। नाउ यहां पे अगर हम देखें तो इसका अगेन 0 1 आएगा, बिकॉज 2^n-1 इसका 0 1 होगा। यहां पे 2^3 यानी 8-1 कितना होगा, 7, यानी कि ये कहां तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। So, यहां पे अब इसके कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, तो यहां पे 8 थे, यहां पे 16 ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। सो यहां पे कॉम्बिनेशन को मैं फटाफट से लिख देता हूं, तो यहां पे ए बी के लिए, और यहां पे मैं दो टेबल्स बनाऊंगा। सो यहां पे लिख देता हूं 0, तो जल्दी से हम इसको यहां पे लिख लिए। तो अब मैं इस पे से आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि कहां पे कोलिजन है, कहां पे ए का ट्रांसमिशन है और कहां पे बी का है। तो फर्स्ट टर्म देखते तो 0 0 है, तो ये कोलिजन है। सेकंड में क्लियरली यू कैन सी कि 0 वेट, यहां पे 0 ही है, दैट मींस ए वेट नहीं कर रहा है, तो यहां पे ए ट्रांसमिशन ए का ही होगा सब में। सो और यहां पे अगर हम सेकंड केस में बात करें तो यहां पे बी विंस द रेस, और यहां पे अगेन कोलिजन आया है, और नेक्स्ट सारे केसेस में बी ज्यादा वेट कर रहा है, ए कम वेट कर रहा है, तो यहां पे ए ए ए। सो अगर आप देखो तो कोलिजन कितना है यहां पे भी, मतलब टोटल हमारे पास 16 है, 16 में से कोलिजन 2 बार है, दैट मींस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो यहां पे कोलिजन कितना आ रहा है इस केस में, सी 2/16, और ए का ट्रांसमिशन कितना है, तो यहां पे 3, 6, 7, 9 and 4, 13, तो 13/16, और बी का कितना आ रहा है, इट इज 1/16। सो यहां पे टोटल 3 केसेस डिस्कस किए, और हर बार मैंने ए विंस द रेस, तो उसके बाद ए का ही जो है वो कंटिन्यू किया। सो यहां पे बैक ऑफ एल्गोरिदम में एक चीज यहां पे क्या पता चलती है, इसके बाद मैं गेट का एग्जांपल लेने वाला हूं इसी वीडियो में। तो यहां पे आपको क्या मतलब आइडिया क्या है यहां पे, फर्स्ट तो ये जो पूरा जो केस है, फर्स्ट केस, उसमें तो दोनों का पहला पैकेट था, लेकिन हमने किसको सिलेक्ट किया, ए को, यानी कि ए अगर ट्रांसमिशन कर लेता है तो दूसरी बार ए के ट्रांसमिशन के चांसेस और बढ़ जाएंगे, और तीसरी बार और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब जो भी फर्स्ट रेस जीतता है उसके बाद उसकी चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर आप कोलिजन को देखो तो फर्स्ट केस में यहां पे 50% कोलिजन था, सेकंड केस में अगर आप देखो तो 50% से कम होके यहां पे हो गया 25%, थर्ड केस में इससे भी कम, तो यहां पे कोलिजन कम होता जाता है, और जिसने ट्रांसमिशन किया उसके चांसेस बढ़ते जाते हैं, अगर मैं बी को लेता तो बी के भी चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो इसी को लेके एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मेरे पास जगह नहीं तो लेट मी इरेज सम पार्ट। सो नाउ यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, 2004 गेट सीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है, ए एंड बी आर द ओनली 2 स्टेशंस ऑन एन इथरनेट, ईच हैज अ स्टेडी क्यू ऑफ फ्रेम्स टू सेंड, मतलब यहां पे पैकेट सेंड होने के लिए रखे हुए हमारे पास यहां पे है ए बी, और ये इथरनेट पे है, और यहां पे इनके पास फ्रेम्स रेडी है, दैट मींस पैकेट्स सेंड करने के लिए रेडी है। ये क्वेश्चन है 2004 में, ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन रीड करता हूं। और आगे क्या दिया हुआ है कि बोथ ए एंड बी अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट अ फ्रेम कोलाइड एंड ए विंस फर्स्ट बैक ऑफ रेस, मतलब जैसा कि हमने शुरू किया था, फर्स्ट टाइम यहां पे कोलिजन होता है जैसे हमारा होता था, और फिर जो फर्स्ट बैक ऑफ रेस होती है, जैसे कि ये फर्स्ट बैक ऑफ रेस थी, उसमें कौन जीतता है, ए जीत जाता है, दैट मींस बी क्या करेगा, वेट करेगा, और ए जीत जाता है। सो यहां पे अगर हम देखें,
तो 0 एंड 1 वाला केस सिलेक्ट किया हुआ है। ये जो फर्स्ट केस में हमने ये जो सिलेक्ट किया था वही इन्होंने भी सिलेक्ट किया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। देन आगे क्या है, एट द एंड ऑफ दिस सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बाय ए बोथ ए एंड बी अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट एंड कोलाइड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द सेकंड बेक ऑफ रेस इज। सो यहां पे आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा और ऑप्शंस भी है। नाउ इनका कहना तो सिंपल है कि फर्स्ट टाइम तो इन्होंने मतलब ए ने ट्रांसमिट कर लिया, सेकंड टाइम जब बात आई तो वापस से कोलिजन हुआ और अब दूसरी बार दूसरे बैक ऑफ रेस में ए के जीतने के चांसेस कितने, चांसेस में प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमारी फर्स्ट बैक ऑफ रेस यही थी, सेकंड ये है। अब सेकंड में ए के चांसेस कितने हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम जो जीतेगा सेकंड टाइम उसका बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाए कुछ भी हो। अगर आपको इस केसेस में ऐसा पूछा गया था कि ए का कितना है बी का कितना है तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर हम ए की बात करें तो यहां पे ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8। सो 5/8 इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नियरली अराउंड 0.625। ओके और यहां पे अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया होता कि कितने चांसेस है बी के सेकंड बैक ऑफ रेस में, तो यहां पे आंसर आता, अगर आप 1/8 को सॉल्व करते हो तो 0.125 आंसर आता है, और कोलिजन के चांसेस होते तो यहां पे 2/8 यानी आता है 0.25। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। सो क्वेश्चन कुछ इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये बैक ऑफ एल्गोरिथम समझना बहुत जरूरी था, और अगर आपको बैक ऑफ एल्गोरिथम अच्छे से आता है देन ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एक मिनट से भी कम लगेगा। सो आई होप आपको बैक ऑफ एल्गोरिथम समझ में आ गया। 2004 गेट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया हुआ है, और अभी का जो गेट क्वेश्चन हम सॉल्व किया उसमें ऑप्शन अगर आप देखो तो बहुत रिलेटिव थे, तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना है, दैट इज सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपको सब कुछ आता होगा और आप कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक कर जाओगे तो मार्क्स चले जाएंगे, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। और तो यहां पे इसी के साथ ये वीडियो को मैं खत्म करता हूं। अगर आपने अभी तक वेल अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स की सीरीज में और भी आगे बढ़ाने वाला हूं और भी वीडियोस जल्दी आने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।